ये तो ठीक ही लगता है। तो हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12 में इनऑर्डिनेट पोर्शन में कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग डी डी ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो कॉम्प्लेक्सेस होता है वो कलर्ड होता है, ठीक है। तो कलर्ड क्यों होता है, तो वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डी डी ट्रांजिशन के लिए कि डी डी ट्रांजिशन अगर पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है तो डी डी ट्रांजिशन होगा, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होगा, वो समय ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग बात एक और नए चीज़ पे कर रहे हैं, जो पॉइंट था जहाँ पे थे हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, नंबर पॉइंट्स डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे एक और प्रॉपर्टी होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डी और एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है, खास करके अभी हम लोग डी ब्लॉक पे बात कर रहे हैं, कि वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, तो जैसे लास्ट क्लास में मैं बता रहा था, जैसे कि K4FeCN6, ठीक है, जैसे ये एक कंपाउंड हुआ है ना, तो जब ये टूटेगा, जब हम लोग इसको डिसॉल्व करेंगे तो 4K प्लस और प्लस FeCN6 4 माइनस, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम, पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं सेंट्रल एटम। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ कि एक एटम, मेटल एटम जो है वो किसी दूसरे डोनर से लगा हुआ रहता है और ये टूटता नहीं है, फिलहाल ये हम लोग समझ सकते हैं, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस ही बनाता है, ठीक है। इसको मैं क्या बताया था, क्या कहते हैं, लिगेंड्स, है ना, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम, और ये हो गया लिगेंड्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर जैसे एस ब्लॉक है, ऐसे जाएंगे तो डी ब्लॉक, तो एस मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो साइज़ में बहुत छोटा होता है। दूसरी बात ये कि चार्ज का जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी एक बात है। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि इस पे जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके चलते क्या होता है, ये जो जिसको हम लोग लिगेंड कह रहे हैं, है ना, तो आयरन जैसे है यहाँ पे, तो आयरन के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहेगा तब ना CN जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस बनता है, समझे। तो कहने का मतलब शॉर्ट में हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, डोनर कहलाता है और ये एक्सेप्टर है, ये आयरन का है, ये एक्सेप्टर हो गया और ये डोनर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा तब ना जब इसके पास खाली जगह रहेगा, ये सब खाली जगह रहेगा तब। तो चूंकि सेंट्रल एटम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो उसमें पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, पार्टली मतलब आंशिक रूप से वो भरा हुआ रहता है, पूरी तरह भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए चूंकि पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स अगर है तो उसके पास खाली ऑर्बिटल्स रहेगा, जगह रहेगा, तब तो वो डोनर जो है, लिगेंड्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ के चलते डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए, नोट तुम भी करो, देखोगे उसमें, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये तुम पढ़ो लोगे, जेरोक्स से नोट मत करो, तुम्हारे पास तो वो है ना जेरोक्स, तो उसको तुम पढ़ो, पढ़ना कहाँ पर है, पेज तुम जान नहीं हो कहाँ पे है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहाँ पे जाओ, उस टॉपिक को कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या लिखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। हम लोग ये कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्सेस बनाने का, क्यों, तो मैंने रीज़न लिखा।
आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रिंटेड मटेरियल मैंने दिया हुआ जेरोक्स, ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या क्या है, तो एक तो स्मॉल साइज ऑफ मेटल कैटायंस जो सेंट्रल ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो उसका साइज बहुत छोटा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसलिए भी। दूसरा मैंने क्या बताया था, चार्ज डेंसिटी है ना, हाई आयनिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और तीसरा उसके पास पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, दे हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये तीन मेन रीजन के चलते जो कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। एक तो साइज छोटा होता है इसलिए आयनिक चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है तो इसलिए वो लिगेंड्स को आसानी से अट्रैक्ट करेगा, और पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है इसलिए क्या होगा, वो लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये रीज़न हुआ उसके कॉम्प्लेक्स बनाने का, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं अभी, कैटलिटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है, जैसे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, जैसे एज अ कैटलिस्ट निकल यूज़ होता है, प्लैटिनम यूज़ होता है, पैलेडियम यूज़ होता है, ये हम लोग पढ़े, या हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 KMnO4 है ना, ये Mn डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 यूज़ किए थे, तो वैनेडियम, ये वैनेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है। हेबर्स प्रोसेस हम लोग पढ़े, उसमें हम लोगों ने आयरन यूज़ किया था और प्रोमोटर में मॉलिब्डेनम यूज़ किए थे, तो ये भी डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो ज़्यादातर जो कैटलिस्ट हैं वो सब डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स क्या क्या रीजन्स है भाई? तो देखिए, एक तो ये भी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, उसमें रीजन पढ़े थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट में कि N-1D और NS इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लगभग में बराबर होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता एनर्जी का, ठीक है। तो ज़्यादा का अंतर नहीं होता तो इसलिए क्या था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे फेरस फेरिक, क्यूपरस क्यूपरिक, +2 +3, Mn का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 +5 +7 इस तरह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चूंकि N-1D ऑर्बिटल्स और NS ऑर्बिटल्स इनका एनर्जी लगभग में बराबर होता है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इधर से भी निकलता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या होगा कि जो रिएक्टेंट के साथ जब वो कंबाइन करेगा तो जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको डिफरेंट तरह का पाथवे वो प्रोवाइड कर सकता है, कि आप इस पाथ से भी जा सकते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू भी जा सकते हैं, +3 के थ्रू भी जा सकते हैं, इस तरह से। तो और उस रास्ते से वो ले जाएगा जिधर से उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, समझे। तो ये भी एक रीज़न होता है एज अ कैटलिस्ट यूज होने का, ठीक। दूसरी बात एक ये भी है कि ये लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। अब जैसे जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट्स जैसे कहीं पर है तो वो क्या होगा, अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा और उस पर एड्सॉर्प्शन आसानी से होगा,
तो एज अ कैटलिस्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, या कई जगह पे हम लोग पढ़े होंगे, आप जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डस्ट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, डस्ट फॉर्म या पाउडर फॉर्म में अच्छा कैटलिस्ट की तरह काम करता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे जिंक वाले में पढ़े थे और भी जगहों पे कॉपर पाउडर पढ़े थे। तो क्यों? क्योंकि डस्ट फॉर्म का क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये मेन रीजंस है इसका। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, और दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ड्यू टू विच दे टेक द रिएक्शन इन द डायरेक्शन हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ना। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए अभी हम लोग बाद में एक चीज यहाँ पे आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में ऐसे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। फिलहाल ये समझ सकते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, बीच में एक चीज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि शॉर्ट में कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए कि किसी रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फिलहाल आप ये शॉर्ट में समझिए। तो जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होता है किसी का, तो उसका रिएक्शन करने का या प्रोडक्ट बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट एक्चुअली में क्या करता है, किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, है ना। कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, कम करता है, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है एज अ कैटलिस्ट ही मेनली क्यों यूज होता है, बहुत ज़्यादातर एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज होता है, तो पहला एक रीज़न क्या हो गया, सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया अगर मिलेगा तो ज़्यादा रिएक्टेंट उसके ऊपर आकर के एड्सॉर्ब होगा, तो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट तरह का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उससे क्या होता है, वो रिएक्टेंट को ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट से भी जा सकते हैं और इस रास्ते से भी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी जा सकते हैं। तो जिस तरफ से एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा उधर से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है ज़्यादातर, तो क्यों यूज़ होता है, उसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, उसके चलते क्या होता है, वो रिएक्टेंट्स को उस डायरेक्शन में लेकर के जाता है जिधर से एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है और रिएक्शन हो जाता है, तो ठीक है। तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ज़्यादातर एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई कैटलिटिक प्रॉपर्टीज को लेकर के, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक, जैसे कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक चीज़, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होता है,
जो सॉलिड का टिपिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में मान लेते हैं कि अरेंज्ड है, ठीक है, इस तरह से पर्टिकुलर पैटर्न पे अरेंज्ड है ना। ऐसे मान लेते हैं अरेंज्ड है, तो ये सब जो जगह है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम या आयन जो सब है प्रेजेंट वो सब है, ठीक है, तो इन सब को हम लोग लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। और बीच में ये जो खाली जगह है, ये सब जो खाली जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट्स, इंटरस्टीशियल साइट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इंटरस्टीशियल साइट्स ये सब ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है छोटा छोटा एटम जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन या कार्बन कह सकते हैं, नाइट्रोजन, इस तरह का चीज़ छोटा छोटा कोई एटम्स वगैरह गैस वगैरह ये सब इस पर सरफेस पे यहाँ पे आकर के एड्सॉर्ब हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं कई बार, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे हैं, ठीक है, तो चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, कोई फिक्स्ड वैलेंसी नहीं है, जैसे आयरन का हम लोग कैसे जानते हैं Fe2+ भी शो करता है, 3+ भी शो करता है, इस तरह से तो और भी एलिमेंट्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि कोई फिक्स्ड वैलेंसी नहीं है, तो फिक्स्ड वैलेंसी नहीं है तो इसलिए वो जो कंपाउंड बनाता है वो इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड सपोज, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का ये। तो ये जो कंपाउंड है ये वैलेंसी के हिसाब से बना कंपाउंड है ना, जो वैलेंसी था उसके हिसाब से ये कंपाउंड बना। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं, जो वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। जो वैलेंसी के हिसाब से नहीं बनता है ना, उसका कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ एटम्स इस पर आकर के एड्सॉर्ब वगैरह कर जाते हैं, इसलिए वैलेंसी के हिसाब से वो कंपाउंड नहीं बनता है, तो उसको फिर हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि यहाँ पर है टाइटेनियम कार्बाइड, है ना, ये हुआ, या MN4N, तो ये सब कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड वैलेंसी के हिसाब से नहीं है, जैसे मान लेते हैं Fe3H। अब आयरन का वैलेंस यहाँ पे है ना इस तरह से, ये सब भी कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के हिसाब से नहीं है, ठीक है, क्योंकि Fe अगर हम वैसे देखेंगे यहाँ पर और H, Fe H3 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका 3 और इसका Fe3H है ना, Fe3H है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 1, तो हाइड्रोजन थोड़ी उसका वैलेंसी 3 होता है, तो हम लोग वैसे जो नॉर्मली करते हैं वैसा यहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये मतलब चूंकि वैलेंसी के हिसाब से ये कंपाउंड सब नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही कंपाउंड को यहाँ पे हम लोग इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहते हैं, ये सब नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, इस सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी के हिसाब से नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो ये सब जो कंपाउंड हुआ यहाँ पे, तो इन सब में हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे TiH 1.7, तो 1.7 तो फ्रैक्शन में है, इस तरह से होता नहीं है जनरली, तो ये सब जो है वो कहीं पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इन्हीं को हम लोग इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहते हैं, या नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स है ये सब, समझे ये चीज़। तो जनरली ये जो है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स का कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ भी होता है, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्या हुआ, जो वैलेंसी के हिसाब से नहीं बन रहा है ना, उसी को हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स है उसका कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, ठीक है। तो